हेलो एवरीवन, आज है 21 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे शेयर के बारे में जो आने वाले दिनों में और ज्यादा टूट सकते हैं। ऑलरेडी आज मार्केट में भयंकर गिरावट थी और उस गिरावट में ये शेयर भयंकर तरीके से टूटे भी है, लेकिन आने वाले दिनों में ये जो गिरावट है ये और ज्यादा गहरा सकती है उन शेयर्स में। तो वो शेयर कौन से हैं उसके बारे में हम बात करें उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। और अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो बात करते हैं आज मार्केट की। भयंकर गिरावट आज हमें देखने को मिली है, 1400 पॉइंट तक सेंसेक्स टूट चुका है। और उसकी जो सबसे बड़ी वजह थी वो भैया यही था कि कोरोना वायरस का जो फियर है वो यहाँ पर देखने को मिला है, और वो भी नए तरीके का। देखिए, कोविड फियर फॉलोइंग न्यू वायरस स्ट्रेन, और वो कहाँ फैला है? यूके में। यूके गवर्नमेंट अनाउंस और लॉकडाउन, भैया लॉकडाउन करना पड़ा है यूके को अलग अलग जगहों पर कंट्री में, इंक्लूडिंग लंडन, सेइंग दैट मोर देन हाफ ऑफ ऑल न्यू कोविड-19 केसेस हैज बीन कॉज बाई म्यूटेटेड मोर इन्फेक्शियस कोरोना वायरस स्ट्रेन। तो देखिए, उनका ये कहना है कि मोर देन हाफ ऑफ द ऑल न्यू कोविड-19 केस, मतलब जो भी अभी आ रहे हैं उसमें से ज्यादा आधे से भी ज्यादा जो कोरोना के नए केसेस आ रहे हैं उसमें म्यूटेट, मतलब म्यूटेटेड कोरोना वायरस इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है, जो पहले से भी ज्यादा डेडली है। द न्यू वायरस स्ट्रेन इज सेड टू बी 70% मोर ट्रांसमिशबल। देखिए, यहाँ पर यही एक बहुत बड़ी चिंता है कि भैया पहले से ज्यादा खतरनाक है। फॉलोइंग दिस नंबर ऑफ कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया इम्पोज ट्रैवल बैन। देखिए, ट्रैवल बैन हो चुका है अहेड ऑफ क्रिसमस एंड न्यू ईयर हॉलीडे सेशन। तो यहाँ पर ट्रैवल बैन हो चुका है, और इसी के चलते अगर हम देखें तो बहुत सारी जो फ्लाइट्स थी वो कैंसिल हो चुकी है, और इसीलिए सबसे पहला जो झटका जिनको लगा है वो है इन कंपनियों को, एविएशन सेक्टर को, जिसमें से पहला नाम है स्पाइस जेट। 9.5 मतलब तकरीबन 10% की आज लोअर सर्किट यहाँ पर लग चुकी है। इतनी बड़ी गिरावट यहाँ पर है कि लोअर सर्किट यहाँ पर लग चुकी है और शायद टूट के बिखर रहा है अभी के वक्त में। फ्लाइट कैंसिल हो रही है, खास करके देखिए न्यू ईयर और जो क्रिसमस का माहौल होता है ये वो माहौल होता है जहाँ पर लोग ज्यादा से ज्यादा ट्रैवल करते हैं, और इवन लोग छुट्टियां मनाने बाहर जाते हैं, बाहर से लोग यहाँ आते हैं। तो अभी अगर देखें तो ट्रैवल बैन होने की वजह से अगर हम देखने जाए तो हालत उतनी अच्छी नहीं रहेगी इन कंपनीज की, और शायद ये जो गिरावट है ये और गहरा सकती है। दूसरी बात ये कि ये शेयर ऑलरेडी काफी दौड़ चुका था, आप देखें और 25 तकरीबन 69 रुपीज से, इवन मैं आपको थोड़ा और पीछे ले चलूं तो ये शेयर 50 रुपए से भी कम प्राइस पर अवेलेबल था नवंबर महीने तक। ठीक है, पिछले महीने ये शेयर 50 रुपए से भी कम प्राइस पर अवेलेबल था, एक महीने में 100 रुपए तक दौड़ गया, पैसा डबल कर लिया। तो लोगों ने सीधा सीधा यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दी। तो दूसरा यहाँ पर रीजन यहाँ पर ये भी था कि भैया प्रॉफिट बुकिंग भी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट इतना ज्यादा दौड़ चुका है कि अब आपको यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाएगी। तो पहला शेयर होगा स्पाइस जेट, जिसमें और बड़ी गिरावट आपको देखने को मिलेगी। दूसरा डेफिनेटली इसी सेक्टर से है इंटर ग्लोब एविएशन, जिसको हम इंडिगो के नाम से भी जानते हैं। 1500 का ये शेयर है, आज इसमें भी तकरीबन 9% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। ये शेयर भी अगर आप देखेंगे तो काफी तेजी दिखा रहा था पिछले कुछ महीने से, 1000 रुपए से भी नीचे ये शेयर आपको मिल रहा था 7वें महीने तक। काफी बढ़िया रैली यहाँ पर आई, 1700 रुपए तक पहुंच गया, 1750 रुपए तक पहुंचा, लेकिन अब यहाँ पर गिरावट आई है और ये गिरावट और ज्यादा गहरा सकती है, क्योंकि इसको भी असर जरूर पड़ा है। तीसरा जो शेयर है भैया ये ऑटोमोबाइल का बढ़िया शेयर है, ये टाटा मोटर्स, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अभी भी इनका जो एक बहुत बड़ा बिजनेस है वो यूके से आता है। इनकी जो कंपनी है जैगुआर, जिनको इन्होंने एक्वायर किया था, जैगुआर का आज भी एक बहुत बड़ा जो मार्केट है वो यूके है। और अगर यूके में लॉकडाउन इम्पोज होता है, खास करके ऐसे वक्त में क्रिसमस और न्यू ईयर के वक्त में जब ये इम्पोज होता है, तो ऐसे में गाड़ियों की जो बिक्री है उस पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि डेफिनेटली लोग इस वक्त में जो खरीदारी होती है गाड़ियों की वो ज्यादा करते हैं वहां पर। तो काफी बड़ा असर वहां पर पड़ सकता है, और इसीलिए आज यहाँ पर भी तकरीबन 9% की गिरावट है, और ये गिरावट और ज्यादा गहरा सकती है आने वाले दिनों में। ऊपर से पिछले कुछ दिनों में ये शेयर ने इतना बड़ा मोमेंटम हासिल ऑलरेडी कर लिया है, 65 रुपए का शेयर था और काफी बड़ी रैली हम पिछले काफी वक्त से देख चुके हैं, तो एक प्रॉफिट बुकिंग जो आनी थी वो अभी आ रही है, तो वो भी एक रीजन यहाँ पर हो सकता है।
चौथा शहर है मदरसन सुमी, इसका भी बहुत बड़ा जो बिजनेस है वो यूके से ही कनेक्टेड है और कहीं ना कहीं इसको भी उसका नुकसान झेलना पड़ रहा है। फंडामेंटली अगर मैं बात करूं मदरसन सुमी की, इंडिगो की, स्पाइसजेट की, टाटा मोटर्स की, डेफिनेटली अच्छे शहर से बढ़िया शहर है, अच्छा पैसा बनाकर दिया है, डूबने वाले शहर बिल्कुल भी नहीं है ये। लेकिन जो सिचुएशन अभी पैदा हुई है उसको कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता था कि भैया ऐसा भी हो जाएगा। अब देखिए 6.5% की गिरावट आज भी हमें यहाँ पर देखने को मिली और हो सकता है कि शायद जो गिरावट है और ज्यादा बड़ी आपको आने वाले दिनों में देखने को मिल जाए। तो पॉजिटिव खबर तो बिल्कुल भी नहीं है इन चारों कंपनियों के लिए, क्योंकि बिजनेस काफी हद तक अफेक्ट हो सकता है इनका आने वाले दिनों में। और जिस तरीके से खबर आ रही है कि भैया डेफिनेटली ये जो नया वायरस जो बना है, कोरोना वायरस ही है लेकिन जो म्यूटेटेड फॉर्म में आया है, वो पहले से ज्यादा भयानक है, पहले से ज्यादा डेडलीस्ट है, जिसमें मरने के चांसेस बहुत ज्यादा यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और पूरा का पूरा जो ग्लोबल मार्केट है वो इससे पैनिक हो चुका है और कहीं ना कहीं सिर्फ इंडिया में ही नहीं पूरे ग्लोबल मार्केट में आज हमें गिरावट देखने को मिली है। आज अगर हम देखें तो पूरे के पूरे जो स्टॉक मार्केट की हालत भयंकर हो चुकी थी, पूरा का पूरा मार्केट आज टूट पड़ा था, अच्छे से अच्छे दिक्कत से दिक्कत शेयर आज टूट रहे थे। तो कहीं ना कहीं एक पैनिक फैला है और शायद हो सकता है कि इसका असर आपको आने वाले दिनों में इंडिया में भी देखने को मिल जाए। हालांकि केसेस मुझे नहीं लगता कि आएंगे, लेकिन अगर फिर भी अगर केस आते हैं तो हमें अभी से थोड़ा सा प्रिपेयर रहना चाहिए उन स्टॉक्स में जो स्टॉक लॉकडाउन के चलते आपको भयंकर नुकसान दे सकते हैं, जिसमें से अगर हम बात करें तो भैया पीवीआर आ जाता है, आइनॉक्स आ जाता है, आईआरसीटीसी आ जाता है। उन शेयर्स में थोड़ा सा कॉशस बरतने की जरूरत है, खास करके एंटरटेनमेंट शेयर की अगर मैं बात करूं, पीवीआर और आईनोक्स की अगर मैं बात करूं तो उसको भी आप अपने रडार पर रख सकते हैं। उसके अलावा वीआईपी इंडस्ट्रीज को भी अपने, जो टूरिज्म स्टॉक्स है उनको भी आप अपने रडार पर रख सकते हैं। वीआईपी इंडस्ट्रीज की अगर मैं बात करूं तो उस पर भी हमें नजर रखनी चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली अगर ट्रैवल अफेक्ट होगा तो वीआईपी इंडस्ट्रीज के शेयर पर भी आपको थोड़ा सा अफेक्शन देखने को मिलेगा, तो उस पर भी आप नजर रखिएगा जरूर। और बाकी जैसे कि मैंने आपको कहा कि आईनोक्स और पीवीआर पर भी आप नजर रखिए, यहाँ पर एक बड़ा निवेश करने की सलाह बिल्कुल भी नहीं होगी। अभी तो मैं यही कहूंगा कि अभी हाल फिलहाल एटलीस्ट 2-3 दिन तक कोई नया ट्रेड ना ले, आराम से बैठे रहे। लेकिन हाँ, मौका जरूर दे रहा है मार्केट आपको, अगर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है जैसे कि एलएनटी हो गया, रिलायंस हो गया, एचयूएल हो गया, उसके अलावा काफी अच्छे अच्छे शेयर से अगर आप उसमें चाहे तो रिस्क ले सकते हैं। हर गिरावट में आप खरीदारी कर सकते हैं, गिरावट दोबारा आई है मार्केट दोबारा मौका देगा। हमेशा याद रखिए गिरावट में खरीदारी के मौके होते हैं, लेकिन पहली गिरावट में कभी मौके नहीं होता। अगर 2-3 दिन मार्केट और गिरता है तो डेफिनेटली तीसरे दिन के बाद आपके पास खरीदारी के बढ़िया मौके होंगे। तो नजर रखिए फंडामेंटली और दमदार शेयर के ऊपर, और डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर लीजिएगा। मैं आपके लिए ऐसे वीडियोज भी लेके आऊंगा कि आपको कौन से शेयर खरीदने चाहिए अभी के वक्त में। ऑलरेडी एक वीडियो मैंने पब्लिश कर दिया है, आप दूसरे वीडियोज भी आने वाले दिन में आपको देखने को मिल जाएंगे कि इस गिरावट में कौन से शेयर है जो आप खरीद सकते हैं और डेफिनेटली आपको वहां पर धोखा नहीं मिलेगा। तो हाल फिलहाल में इन चारों शेयर्स पर नजर रख सकते हैं, लेकिन खरीदारी करने की सलाह नहीं होगी। लेकिन हाँ, एक सर्टन लेवल तक पहुंचने के बाद अगर यहाँ से ये आपको 20-25% और सस्ता मिल जाता है तो डेफिनेटली तब आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया तो लाइक और शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और हाल फिलहाल में जो मार्केट की गिरावट है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।